भाई अभी मैंने इस बंदे से बोला, मैं कहा एक वीडियो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम की। वेलकम बैक गाइस टू माय अनदर व्लॉग। तो हम आ गए हैं माउस। आज है, पता है कौन सी नाइट है? सुप्रीम वेडनेसडे भाई, सुप्रीम। और लेडीज ड्रिंक्स भी है, कपल एंड सिंगल लेडीज भी एंट्री क्लब गो ऐप के थ्रू। और बसड़ भी स्टार्ट होने वाली, टाइम अभी हुआ है, इसमें पता नहीं चलेगा एक्चुअली एनालॉग वॉचर। टाइम हुआ है ये, थोड़ी देर में यहाँ बसड़ ही बसड़ होगी। सैफ कॉफी बना दो यार, सैफ जी कॉफी। भाई बारिश हुई है बढ़िया वाली, ये देखो प्रूफ, उधर देखो प्रूफ। और पेड़ हमारे बता रहे हैं हमें, भाई बारिश हो रही है, तू कहाँ था? मैंने कहा भाई मैं अंदर था, बारिश हो रही है। पेड़ कह रहा भाई तू देर से कहाँ था, बारिश हो रही है। बाहर आ गया मैं, मेरे को अभी जस्ट बताया तब तक मैं आया तब तक बंद हो गई बारिश। बट कोई बात नहीं, गर्मी से लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी अब दिल्ली में, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी। इट जस्ट स्टार्टेड बट मैं तो अंदर की साइड जा रहा हूँ, स्टार्ट तो बाहर की साइड होगी नाइट। गाइस द नाइट जस्ट स्टार्टेड और टाइम तो अभी आपको पता ही कितना हुआ होगा, अभी टाइम हुआ है 12:10 और अभी हम बसड़ मचा देंगे गेट के ऊपर, और यही तो काम है हमारा। भाई अभी मैंने इस बंदे से बोला, मैं कहा एक वीडियो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम की, थोड़ी सी चिचोरे वाली डबल मीनिंग वाली। कह रहा हाँ बनाओ बनाओ बनाओ, मैं कहा चला बनाए। कह रहा नहीं आप बनाओ। मैं कहा भाई आदमी कितना सेल्फिश है यार, देखो यार कितना सेल्फिश इंसान। मैं बहुत अच्छा इंसान हूं इसलिए मैं सेल्फिश। देखो भाई सेल्फिशनेस कितनी आदमी के अंदर। डीजे बाबू अड्डी तक, आज तक का गेट का सीन। अब अंदर की बसड़ देखेंगे चल के, क्योंकि ऑलमोस्ट क्लब पैक्ड हो गया।
भाई क्लब अभी अंदर से सुपर कट है, लोग निकल रहे हैं, लोग आ भी रहे हैं, लोग जा भी, यही हमारे क्लब की खास बात है, जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ, यही तो खास बात है। तो भाई ये थी आज हमारी वेडनेसडे नाइट, और बारिश हो गई दिल्ली में भाई, लोग बड़ा आनंद ले रहे हैं। ये तो कितना भाई ने हेलमेट ही नहीं पहना, गमछा डाला हुआ है, जिसे अंगूछा भी कहते हैं यूपी की लैंग्वेज में, गमछा कहते हैं पता नहीं कौन सी लैंग्वेज, बट गमछा भी बड़े यूज़ करते हैं। और सीन क्या है ना भाई, मैं आपको बता देता हूँ, सीन ये है, सीन बड़ा ख़तरनाक जैसा है। तो आपको लगता होगा ना मैं बार बार एमाउस क्यों जाता, भाई एमाउस ना मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त रहता है, मेरा मेंटोर है, मेरा दोस्त है आप कह सकते हो, जो कि वो रहता है सिर्फ नेहरू प्लेस के पास ही, मतलब मैं उसका डिस्क्लोज नहीं कर सकता, बट बहुत पोश एरिया में रहता है भाई, वहाँ घर कम से कम ना मिनिमम 3 BHK फ्लोर कम से कम 5 एक तो नहीं कहूँगा, 6-7 करोड़ का मान लो भाई, 3 BHK का ज़्यादा ही होगा बल्कि, तो उसका रेंट ही जाता है 3 लाख रुपये जहाँ वो रहता है। तो मैं उसको थोड़ा शो ऑफ कर रहा हूँ क्योंकि भाई उसने वो अचीव किया है लाइफ में वो चीज़, वो भाई ये क्या हो गया, ये होता है भाई ओवरलोडिंग का नतीजा है। देखो तो भाई मैं उसके पास थोड़ा सा काम करने जाता हूँ क्योंकि भाई मैं अपनी कंपनी एक्सपेंड कर रहा हूँ ना, और जब कंपनी एक्सपेंड कर रहा हूँ तो भाई थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, थोड़ा सा दिमाग चाहिए होता है, ठीक है, क्योंकि मैं अकेला हूँ इस चीज़ के अंदर और मुझे थोड़ी सी हेल्प चाहिए, तो भाई वो बड़ी हेल्प कर देता है इस चीज़ में, क्योंकि भाई ऑलरेडी वो किसी कंपनी का CEO रह चुका है, अब उसके अपने ऑलरेडी 2-3 कंपनियाँ चल रही हैं, तो भाई उस चीज़ का ना उसको बड़ा एक्सपीरियंस है, तो वो मैं उससे थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने चला जाता हूँ। और इसीलिए फिर जब मैं वहाँ से फ्री होता हूँ ना, तो फिर मैं सीधा नेहरू प्लेस चलाता हूँ, क्योंकि भाई वो थोड़ा सा ऑन दी वे पड़ता है, फ्री वे और की है वो आउट ऑफ द वे पड़ते हैं, मतलब ऐसे घूम के जाना पड़ेगा मुझे, तो मैं सोचता हूँ यहीं चला जाऊँ, क्योंकि मुझे आप लोगों को एंटरटेन ही करना होता था, मैं यहीं पे आके एंटरटेन कर देता हूँ, हालांकि आप लोग एंटरटेनिंग तो दिखना देखते हो नहीं मेरा व्लॉग, बट जिन लोगों को भाई मेरी वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक कर लिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि खुशी होती है एक थोड़ी सी लाइफ को, लाइफ में मतलब मुझे। और एक नया अपडेट आया भाई गुड़गांव को लेके, अभी पता है क्या हो रहा है, बाइक चलाते हुए रोड पे जब बारिश होने के बाद जो गाड़ी तेज़ निकलती है ना, तो उसके बाद जो बड़ी गाड़ी निकलती है धूल धूल सी नहीं छोड़ जाती भाई, वो बड़ी तेज़ लगते हैं मतलब मुंह पे, अभी तो हेलमेट पहना है तो मुंह पे तो खैर लग नहीं रहा, बट वो गले पे लग रहे हैं बहुत बुरी तरीके से भाई, इसलिए भाई याद बड़ी गाड़ी के पीछे चलने में मज़ा नहीं आता भाई, या तो आगे चले जाओ या बहुत पीछे रहो उनसे साथ, जस्ट उनके जैसे अभी पीछे पीछे चलोगे ना तो वो थ्रो फेंकती है, मतलब जो विंड ब्लास्ट होता है ना वो गाड़ी के जो नीचे से निकलता है वो एकदम भाई ख़तरनाक तरीके से, रुद्रपुर, टनकपुर, जयपुर, खाटू श्याम, जनसेवा, जनरथ सेवा भाई, वो तेरी बड़ा लंबा गाड़ी रूट चल रही है भाई ये तो।